आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को नवनिर्वाचित सरपंच को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। 8 एकड़ जमीन की बिक्री में अड़ंगा न लगाने और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले में नवनिर्वाचित सरपंच ने 4,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि आलोक कुमार उम्र 40 वर्ष, पुत्र श्रवण कुमार मूलतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उनकी मां के नाम पर 8 एकड़ कृषि भूमि कटनी जिले के ठीमरखेड़ा के ग्राम खामा में थी। इसे उन्होंने बेच दी थी, लेकिन सरपंच सुशील कुमार पाल ने अड़ंगा डालते हुए प्रति एकड़ 50,000 रुपए, कुल 4,00,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा बाहरी व्यक्ति होने के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन भी सरपंच ने दिया था। इसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त SP संजय साहू से कर दी। शुक्रवार को जैसे ही आलोक कुमार ने सरपंच सुशील कुमार पाल को पहले किस्त के रूप में 1,00,000 रुपए की रिश्वत दी, तो लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सरपंच को रगे हाथ धर दबोचा। लोकायुक्त पुलिस ने सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण के तहत मामला दर्ज कर जमानत पर रिहा कर दिया है।